नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीबीएन 24, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। पाकुड़ नगर में घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं होने के कारण 15 नंबर वार्ड में जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है। निकासी नहीं होने एवं पानी जमा रहने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। जगह जगह पर खाली पड़ी जगह पर पानी भरा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं स्थानीय लोग नगर परिषद को कई बार शिकायत लिखकर भेजा हुआ है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। सारा गंदगी जमा होता है, नाली नहीं है। हम लोग नगर पालिका में 3-4 बार गए, बोले, कोई एक्शन नहीं लिया गया। घर के सामने में हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। घर के सामने पूरा गंदगी फैला हुआ है, नाली नहीं है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बस यही समस्या है हम लोगों को। निकास कहीं से नहीं है। जब नाली बनाने के लिए एक दो बार खड़ा हुआ आदमी, मोहल्ले के आदमी झगड़ा करने लगता है। ये भी अपना पैसा से भी नली बना लेंगे, यहाँ का आदमी बनाने नहीं दे रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है नाली का, यह झमेला हो रहा है। आगे वाला नाली बहने नहीं दे रहा है सर। हम लोग बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। अभी तो मेरा जमीन परती है तो अपना परती निकाल रहे हैं, और घर मकान बना लेंगे तो किधर से निकालेंगे सर पानी। वो आगे वाला जो प्रॉपर्टी जो है वो पानी नहीं निकालने देता है। पिंटू शर्मा बोलते नहीं, नाना नहीं निकले देंगे इसलिए पटे। मेरे सामने में, घर के सामने में जम जा रहा है। सफाई वगैरह यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। जो इस वार्ड में है, वार्ड पार्षद जो हैं, वो कुछ भी नहीं कराते हैं, देखते भी नहीं हैं आके। अगर उनके घर पे हम 3-4 बार गए, वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं लिए कि क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। हमको जाके देखना चाहिए, इस मैटर में कुछ भी वो नहीं किए। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, और हम यहाँ पे लेबर लगा के खुद से सफाई करवाएं, थोड़ा सा सीमेंट वगैरह डाल के जाम करवाए हैं, और वो फिर से देखने भी नहीं आए। गंदे पानी की वजह से स्थानीय लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कई बार नगर परिषद को शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जीबीएन 24 के साथ।